अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग और मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स। वेलकम टू टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग। टुडे इज़ 25th October 2018 एंड आई एम योर टैक्स होस्ट एंड टैक्स दोस्त एंड एंथनी विलियम्स। आप जो है ना taxdosti.com पर है वेबसाइट देख रहे हैं और अगर आप उस वेबसाइट में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो हमारी टैक्स दोस्ती ब्लॉग जो है ना, जो रेगुलरली अपडेट होता है तकरीबन हर रोज़ जो है इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स और ये वीडियोस उस पर होती हैं, तो आप हमारे ब्लॉग पर आके FBR नॉन फाइलर्स टैक्सेशन ऑफ रेजिडेंट पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के हिसाब से भी डिफरेंट ब्लॉग्स देख सकते हैं या जो डेट वाइज ब्लॉग्स आ रहे हैं अगर आप उन पर क्लिक करें तो वो ओपन हो जाएंगे और वो आपको जो है क्या कहते हैं बताएंगे कि उसका कंटेंट बता देंगे। अगर कोई वीडियो है तो उस यूट्यूब वीडियो का लिंक दे देंगे और वो आपको जो है इसके अंदर अभी ये ओपन हो जाए तो जो है क्या कहते हैं आप देखेंगे कि एक साइट पर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिया है। अगर आप अपनी ईमेल जो है ब्लॉग में दे देंगे तो उस ईमेल के बेस पर ये जी डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड लीडर्स एंड मैनेजर्स आ गया है और इसमें जो है उस का जिक्र है वेबसाइट का। और यहाँ पर साइन अप फॉर ब्लॉग अपडेट्स में अगर आप अपनी ईमेल यहाँ दे देते हैं तो आपको एवरी मंडे जो है जितने भी इस ब्लॉग पोस्ट में जो है क्या कहते हैं पूरे हफ्ते में पोस्ट लगी होंगी उसकी एक समरी जो है ना एक ईमेल आ जाएगी। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था SEC के हवाले से कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, असद उमर को किस तरीके से FBR मिसलीड कर रहा है उस पर आर्टिकल और वीडियो बनाई थी। तो इस तरीके से आप इसको इंजॉय कर सकते हैं और हम आज बात करेंगे जो रिसेंट असद उमर ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल पेश किया था जिसमें जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने बजट पेश किया था उसमें कुछ चीज़ों में तरमीम चेंजेस किए थे तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग सर्कुलर नंबर 6 इशूड ऑन 24th October 2018 एंड वील बी डिस्कसिंग सम ऑफ द चेंजेस दैट वर मेड बाय द प्रेजेंट PTI गवर्नमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। तो आज है 25 अक्टूबर 2018 और मैंने जैसे आपको कहा कि ये सर्कुलर आपको वेब FBR.gov.pk की वेबसाइट से मिलेगा और बेहतर होता है कि अखबार के अलावा या किसी और सोर्स या व्हाट्सएप के अलावा आप FBR की वेबसाइट से देखा करें कि कोई न्यूज़ सर्कुलर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अगर आई है तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक यानी सच्ची है। तो यहाँ वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया जिसमें वो मुख्तलिफ जो चेंजेज़ आई हैं टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स में उनके बारे में उन्होंने बात की है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाता हूँ कि बेसिकली इंडिविजुअल्स जो है वो टैक्स लॉ में किसको कहते हैं। तो इंडिविजुअल्स जो हैं हम जो है ना नेचुरल पर्सन्स को कहते हैं, यानी जैसे आप और मैं हैं जो जिसको हम कहते हैं जो फिज़िकली पैदा होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर एक कंपनी बनाते हैं आप तो वो तो सिर्फ कागज़ों पे वो कंपनी बनती है, उसका नाम होता है, वो रजिस्टर्ड होती है, असल में वो कंपनी तो ना पैदा हुई है ना वो कहीं मौजूद है, कंप्यूटर स्क्रीन पर है या कागज़ों पे है, लेकिन एक शख्स जो है वो इस दुनिया में मुकम्मल तौर पर मौजूद है। तो इंडिविजुअल्स कहते हैं नेचुरल पर्सन्स को। और इंडिविजुअल्स दो किस्म के होते हैं, या तो वो सैलरीड होते हैं या वो जो है बिजनेस इंडिविजुअल्स होते हैं। तो उस हवाले से क्या अमेंडमेंट हुई है, तो फाइनेंस एक्ट ने ये किया था कि जो सैलरीड लोग थे, जिनका सैलरीड का मतलब है कि जिन शख्स की 50% से ज़्यादा जो आमदनी है, सपोज़ करें आपने 12 लाख पूरे साल में कमाया है, 1 लाख आपकी तनख्वाह है महीने की, तो 12 लाख पूरे साल का हो गया तो 100% आप सैलरीड पर्सन है। अब इस तरह है कि आप सैलरी भी कमा रहे हैं लेकिन आप साथ IT फ्रीलांसर हैं या कोई छोटी सी दुकान चलाते हैं या कोई ऊबर पे गाड़ी चला रहे हैं, तो आपकी 80% हो सकता है इनकम जो है 12 लाख सैलरी इससे आई हो और जो है क्या कहते हैं 3 लाख रुपए तक या 5 लाख रुपए तक आपने 20% तक आपने कारोबार से कमाई हो तो तब आप क्या है, तब भी आप सैलरीड पर्सन है। क्योंकि जब तक आपकी टोटल इनकम जो है 15 लाख में से 50% और उससे ज़्यादा सैलरी से आएगा तो आप सैलरीड पर्सन रहेंगे। इस फाइनेंस एक्ट ने ये किया था कि सैलरीड पर्सन
और नॉन सैलरीड पर्सन वो शख्स जो कारोबार से पैसे कमाता है या घर उसने किराए पे दिए हुए हैं या प्लॉट या कमर्शियल एरिया या उसके बैंक में डिपॉजिट्स हैं तो उसको प्रॉफिट्स आ रहे हैं या जो है उसको और कोई आमदनी है, उसने कोई मशीनरी लोगों को किराए पे दी हुई है या टीचर हैं तो बहुत जो है ना फ्रीलांस टीचर हैं यानी कि पढ़ाते नहीं हैं मुख्तलिफ जगहों पर वो करते हैं, तो ये बिजनेस इनकम है। इस तरीके से वो नॉन सैलरीड बंदा है। तो इस बजट ने 2018 की जो मई में पेश किया गया था उन्होंने यूनिफाई कर दिया, यानी कि उन्होंने ये किया, पहले अलग अलग रेट होते थे, जो नॉन सैलरीड बिजनेस इंडिविजुअल होता था कारोबारी बंदे होते थे उनके रेट फ़र्क थे, जो तनख्वाहदार लोग थे उनके रेट फ़र्क थे, उनको कंबाइन कर दिया और 4 लाख पूरे साल में यानी कि 35,000 अगर एक महीने में कमाए तो 4 लाख बन जाएगा तकरीबन पूरे साल का, तो उस से ज़्यादा जो कमाता था उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाता था। तो उन्होंने इस तरह किया कि इस 4 लाख की लिमिट को 12 लाख पे ले गए, यानी कि 1.2 मिलियन पे, यानी उन्होंने कहा कि जो 12 लाख तक कमाएगा उसको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन शुरू में यही बात की कि 12 लाख के बाद जो कमाएगा उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फिर उधर मई में भी जब बजट पेश किया गया और फाइनेंस एक्ट 2018 अप्रूव हुआ तो उसमें यह तय पाया कि अगर आप 4 लाख से कम कमा रहे हैं तो फिर तो आपने कोई टैक्स नहीं देना। 4 लाख और 8 लाख के दरमियान अगर आप कमा रहे हैं तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट देंगे, यानी 1,000 रुपये टैक्स देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अगर 8 लाख रुपये पूरे साल की तनख्वाह है या आप कारोबार से इतना मुनाफा 8 लाख का कमा रहे हैं तो उस पर सिर्फ आपने 1,000 रुपये पूरे साल का टैक्स देना है, जो आसानी आपका मोबाइल पे कुछ कट जाता है, कुछ बैंक से पैसे निकालने पे कट जाता है, कुछ गाड़ी के टोकन पे कट जाता है, तो एक तरह से तकरीबन समझें कि आपको टैक्स जो है ना साल के आखिर में नहीं देना पड़ेगा। फिर आगे फैसला हुआ कि जहां जो है 8 लाख और 12 लाख के दरमियान, क्योंकि 12 लाख के बाद फिर जो है ना ज़बरदस्त किस्म का टैक्स शुरू होगा, यानी कि आपकी इनकम पर टैक्स लगेगा जो आपने कमाया। अब देखें, जो सैलरीड बंदा है उसकी पूरी तनख्वाह के ऊपर टैक्स लगता है और जो कारोबारी बंदा है उसमें नॉर्मली जो है उसके सेल्स पे नहीं उसकी प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। लेकिन पहली बात है टैक्स में मुख्तलिफ बातें होती हैं, लेकिन याद रखें कि जनरली सैलरीड बंदा अपनी ग्रॉस सैलरी मुकम्मल सैलरी पे देता है और बिजनेस मैन जो है वो अपने मुनाफों पे टैक्स देता है। तो अगर आपकी सैलरी 8 लाख और 12 लाख के दरमियान है, पूरी 12 लाख भी अगर है, या आपका मुनाफा जो है खर्चे निकालने के बाद 8 लाख से 12 लाख के दरमियान है तो आपको सिर्फ 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। 2,000 रुपये आपको पूरे साल का टैक्स देना होगा, जो आसानी आपसे कहीं ना कहीं कटा होगा, तो बेसिकली आपको साल के बाद टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये कौन से साल की बात हो रही है? तो ये फाइनेंस एक्ट 2018 है, इसका मतलब है 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक की बात हो रही है। जिन लोगों ने 30 जून 2018 तक 30 जून 2018 तक तनख्वाह कमाई है, कारोबार कमाया, तो उनके अलग अलग रेट थे। अब जो है 1 जुलाई 2018 से वो रेट एक हो गए और ये इंडिविजुअल्स के लिए है, यानी कि सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए भी है, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। उसके बाद जो है फिर 5% रेट शुरू होता है जब 12 लाख और 24 लाख के दरमियान कमाएं। तो यहाँ पर जो ये टेबल बना हुआ है ये बड़ा ज़बरदस्त है और यहाँ उन्होंने यही जिक्र किया है, जो है कि ये जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट है इसने दोबारा ऐसे किया है कि जो सैलरीड और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है उनके रेट्स को अलग अलग कर दिया, लेकिन अलग इस तरह किया है शुरू के हिसाब से नहीं बल्कि 12 या 24 लाख के बाद से अलग अलग कर दिया। आप देख लें पहले कि टैक्स रेट्स एप्लीकेबल सैलरीड इंडिविजुअल के लिए जिनकी टोटल इनकम में सैलरी 25% ज़्यादा है 1 जुलाई 2018 से उनके साथ ये होगा। अगर आप 35,000 महीने यानी 4 लाख साल का कमाएंगे तो उस पर कोई टैक्स ना कटेगा ना आपको देने। इसी तरह अगर आप 4 लाख से 8 लाख के दरमियान कमाएंगे तो 1,000 फिक्स टैक्स आपने देना है सैलरीड पर्सन ने। फिर जो है अगर आप 8 लाख और 12 लाख के दरमियान या 12 लाख तक कमाएंगे तो आपने 2,000 फिक्स टैक्स देना, तो ये बन गया। अब 12 लाख से 25 लाख के दरमियान अगर आप कमाएंगे तो उसका कुछ इस तरह होगा कि 5% अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख, तो 12 लाख तक तो 2,000 है,
उसके बाद सपोज करें कि आप 16 लाख कमाते हैं, तो 12 लाख 16 लाख 4 लाख का फर्क हो गया, यानी 12 लाख से ऊपर, 12 लाख पे तो 2000 फिक्स हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। अब 4 लाख का 5% जो है क्या कहते हैं वो 20,000 रुपये बन जाएगा, तो आप 22,000 रुपये टोटल आपका टैक्स बनेगा। इसी तरह 25 से 40 लाख के दरमियान जो है ना 65,000 जमा 15% ऑफ, जो भी 25 और 40 के दरमियान डिफरेंस होगा उस पर 15% आपने लगाना है। इसी तरह 40 और 80 में 20%, और जहां 80 लाख से ज़्यादा 8 मिलियन से ज़्यादा आप कमाते हैं तो 1 मिलियन यानी 10 लाख जमा 25,000 उस पर, तो रेट ज़रा दोबारा उन्होंने बढ़ा दिए हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए और बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए भी। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं वो हम देखते हैं, उन्होंने अच्छी तफसील से बताया है कि तो उम्मीद है कि जो लोग सैलरीड लोग देख रहे हैं उनको समझ आ गई कि अब कम हुआ ज़्यादा हुआ, कम हुआ ज़्यादा हुआ, अब जो है क्या कहते हैं ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। इसके बाद वो कहता है कि प्रोविजन हैज़ बीन एडेड वेयर इट हैज़ बीन स्पेसिफाइड दैट वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 800,000 रुपीज़ द मिनिमम टैक्स पेबल शैल बी 2,000 रुपीज़। ठीक हो गया जी, यानी कि इट वुड बी पर्टिनेंट टू मेंशन दैट टैक्स रेट फॉर सैलरीड इंट्रोड्यूस थ्रू फाइनेंस विल नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज टैक्स इंसिडेंस अपॉन सैलरीड इंडिविजुअल हु अर्न इनकम अप टू 2.5 मिलियन पर एनम और अप टू 2,08,033। वो बेसिकली कह रहे हैं कि बेशक हमने ये जो आखिर वाले रेट हैं 5% और 15%, पिछली हुकूमत ने यहाँ 15% पर आकर रोक लिया था, फिर 20% और 25% हमने इन्होंने पीटीआई गवर्नमेंट ने दोबारा ऐड कर दिया। अब सैलरीड बंदे की फिर भी जो 25 लाख तक कमा रहा है वो जो है ना तकरीबन बहुत थोड़े पैसे दे रहे हैं, 22,000 यानी 25 लाख पर 22,000। पहले जो पुराने रेट थे उसके मुताबिक जो शख्स 25 लाख साल का कमा रहा था उसको कम से कम जो है 5 से 7 लाख रुपए देने थे, तो ये एक रिलीफ मिली आपको 3 से 4 लाख रुपए की। जो लोग 12 लाख तक कमा रहे हैं, जो उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, यहाँ वही बात है कि जो 25 लाख 2.5 मिलियन या महीने के 2,08,333 रुपए कमा रहे हैं उन पर फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क जो पड़ेगा वो उन लोगों पे पड़ेगा जो इससे ज़्यादा कमा रहे हैं। अब आगे कहते हैं एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी टू एन एम्प्लॉय इज ऑब्लाइज टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 149 एट द एम्प्लॉयज एवरेज रेट ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी द एवरेज रेट ऑफ टैक्स पर्सुएंट टू इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस इज टू बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है जी, अब वो बता रहे हैं कि आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको जॉब पे रखा है, जो आपको तनख्वाह देता है, बेसिकली अकाउंट डिपार्टमेंट, वो आपकी सैलरी से डिडक्शन करेंगे और वो काट के टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास जमा करेंगे। तो साल के आखिर में आप उनसे सर्टिफिकेट लेंगे टैक्स डिडक्शन का और अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ अपने कंसल्टेंट वकील चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। ये जो फार्मूला दिया है ये उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि जो है क्या कहते हैं कुछ मुख्तलिफ रद्दोबदल हुई, पहले मई में बजट यानी फाइनेंस एक्ट आया 2018, फिर अब सितंबर में आया है, तो उस वजह से कुछ कैलकुलेशन में है, तो जो लोग ये अकाउंट्स या वो पढ़ रहे हैं वो ये कैलकुलेशन देख सकते हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो हम सर्कुलर नंबर 6 देख रहे हैं जहाँ FBR खुद बता रहा है कि ये जो नया कानून आया उसके मुताबिक किस पे कितना टैक्स लगेगा और कैसे कैलकुलेट होगा। तो आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियो, ये हम पार्ट 1 कर लेंगे। इसी तरह नॉन सैलरीड किसके बाद बात करेंगे, उसके अलावा यहाँ पे और जो चेंजेस हुई हैं ऑडिट के हवाले से, बहुत सारे लोग ऑडिट में फंसे हुए हैं जिन्होंने लेट टैक्स फाइल की थी तो वो ऑडिट में आया तो उससे निकलने का तरीका बताया, वो तफसीलन पार्ट 3 में बात करेंगे इन्होंने। और फिर वो गाड़ी और घर जो नहीं खरीद सकते उस पर बात करेंगे कि उसको दोबारा लगा दिया गया और किस हद तक लगाया है। इसी तरह बैंकों से अब हुकूमत जो है FBR जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके मुतालिक इंफॉर्मेशन ले रही है, पहले भी ले सकती थी नहीं लेती थी लेकिन जो है ना वो करें। और इसी तरह और कुछ है कि जो नॉन फाइलर है उन पर रेट वगैरह बढ़ा दिया, तो इसको हम 2-3-4 पार्ट्स में करके देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लें। आप हमारे YouTube चैनल पे, Facebook पेज पे टैक्स दोस्ती के देख सकते हैं या taxdosti.com पर आकर सारे सोशल
मीडिया चैनल्स देखकर आप को विजिट कर सकते हैं। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त एंड टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। बहुत बहुत शुक्रिया।